हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम बातचीत करने जा रहे हैं कि संविधान या पॉलिटी पढ़ते वक्त एक साथ एक सौ बात हमेशा आपको जहन में आता होगा कि संवैधानिक संस्थाएं किसे बोलते हैं, सांविधिक संस्थाएं किसे बोलते हैं, गैर संवैधानिक संस्था क्या होता है या फिर कार्यकारी संस्था क्या होता है। इसी में कभी कभी आप सुनते होंगे कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, फिर फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। तो फिर इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है संवैधानिक संस्था, क्या होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं, फिर उसके दो पार्ट होते हैं कार्यकारी संस्थाएं और विधायी या लीगल संस्थाएं। तो इन्हीं सब के बारे में ये क्लास है और स्पेशली 9 बजे से जो पॉलिटी का क्लास चल रहा है उनके लिए ये क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये हमारी सामान्य क्लास का ही एक हिस्सा है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक था इसलिए हम इसको इस YouTube के माध्यम से ले रहे हैं। तो बाकी लोग भी आप इसको देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम कि संवैधानिक संस्थाएं गैर संवैध, जैसे संविधान में बहुत सारी संस्थाएं, आप एनएचआरसी पढ़ते हैं, महिला आयोग पढ़ते हैं, SC ST कमीशन पढ़ते हैं, OBC कमीशन पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इस प्रकार से बहुत सारे कमीशन भारत के संविधान में आप पढ़ते हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब। तो ये सारी संस्थाएं किस तरह से फॉर्म हुई हैं और इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किसको किसको ये अधिकार मिला हुआ है कि इसमें कोई चेंज कर सकता है, इसी सब के बारे में ये पूरा लेक्चर है। 9 बजे बैच वालों के लिए तो ये कंपलसरी है। अपने नोट्स में जो पेज छुड़वाया गया है कि जहाँ पे इसको नोट डाउन करना है तो आगे इसको लिख लेना है, क्योंकि अब आगे इसके बाद जो चर्चाएं स्टार्ट होगी आपके क्लास में वो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में ही। पहले तो हम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, जो संवैधानिक संस्था होगा, फिर उसके बाद से हम सांविधिक संस्थाओं के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर कुछ कार्यकारी संस्थाएं, नीति आयोग और के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तो आपके लिए जरूरी है, बाकी लोग भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें एक पेज का एक नोट्स भी है, सिंगल पेज का, जो हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के थ्रू मिल जाएगा। आप यहाँ से ज्वाइन होंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। 9 बजे वाले बैच के जितने सारे बच्चे हैं आप इसको नोट्स बनाकर अच्छा से उसको सारी चीज़ों को लिख लेना है, उसके बाद से जो एग्जाम्पल हम इसमें बताएंगे उसको भी साथ में ऐड कर लेना है और पूरी बढ़िया तरीके से उसको लिख लेना है। समझने का प्रयास करेंगे, आप अच्छा से समझ जाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल इसको मैं ओवरव्यू एक बार क्लास में दे दूंगा तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक इम्पॉर्टेंट ये सेक्टर है, मतलब ये चैप्टर है जिसमें पता किया जाता है। 1 सेकेंड, एक मिनट, थोड़ा आप रुक जाए। ठीक है, तो इन्हीं सारी संस्थाओं के बारे में, तो 9 बजे बैच के जितने सारे लोग हैं आप इसको अच्छा से नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ये बैच एक 7 से 9 बैच चल रहा है, जो भी नए बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी 1 सप्ताह हुआ है, 7 से 9 बैच ये। इसमें 7 से 8 अगर बात करें तो मैथ की क्लास चल रहा है, रोशन सर इसमें क्लास ले रहे हैं, काफ़ी एक बेहतरीन मैथ के टीचर हैं। उसके बाद से फिर 8 से 9 इसमें हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, जहाँ पे दिखा हुआ है हिस्ट्री। तो ये 7 से 8 है, 7 से 8 मैथमेटिक्स है और ये फिर 8 से 9 हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आगे एक PPT है वो दिखाऊंगा, इसके पहले हम आपको थोड़ी सी अब ऐसे ही बताता हूँ कि क्या होता है। तो हमारा टॉपिक ऊपर होगा कि संस्थाएं, यानी संस्थाएं के बारे में हमको पढ़ना है, संस्थाएं, या इसी को निकाय भी बोला जाता है, निकाय, निकाय भी बोला जाता है। तो ये टोटल अगर इसको हम बांटे इसको अलग अलग पार्ट में, तो इसमें से सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या इसको हम बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संवैधानिक संस्थाएं। तो एक तो ये हमारा प्रकार हुआ संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, इसका दूसरा भाग होता है संविधानेतर, इसको हम इस तरह से लिखते हैं संविधानेतर, या इसी को एक दूसरे नाम से भी हम गैर संवैधानिक भी बोल देते हैं, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक,
गैर संवैधानिक, और एक तीसरा होता है असंवैधानिक। इन तीनों में क्या फर्क है पहले उसको समझेंगे, आगे इसका हम लिखित रूप में आपको अभी बता देंगे। असंवैधानिक ये तीन पार्ट में है, फिर इसका भी दो पार्ट है। अगर इसका भी अगर बात करें तो इसमें एक होगा विधायी, मतलब एक होगा आपका सांविधिक संस्थाएं, इसी में होगा इसमें सांविधिक, जिसको हम सांविधिक या सांविधिक स्टेचुरी बॉडी इसको बोलते हैं या लीगल बॉडी भी बोलते हैं। एक होता है इसी में कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है आपका। तो जितने भी भारत के संविधान में संस्थाएं हैं उसमें से तीन प्रकार से है, एक तो है संवैधानिक, दूसरा है संविधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलते हैं, और एक होता है असंवैधानिक। संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो वैसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान के किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब उसका किसी न किसी भाग में चर्चा होगा, और चूंकि भाग में चर्चा है तो किसी न किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में भी उसका चर्चा होगा। तो वैसे सभी संस्थाएं जिनका उल्लेख किसी न किसी भाग या अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये सारी संस्थाएं आपका संवैधानिक संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि आर्टिकल जो 324 है अनुच्छेद 324, तो चूंकि यहाँ पे पहले ही दिख रहा है अनुच्छेद 324, तो इसका वर्णन करने का मतलब संविधान का अनुच्छेद 324 में किया गया है, इसलिए ये किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, एक होता है संविधानेतर या गैर संवैधानिक, इसको थोड़ा सा समझना आपके लिए मतलब काफ़ी जरूरी होगा। वैसे संस्थाएं जो संविधान में शामिल नहीं होती हैं बट वो संविधान के आदर्शों को फुलफिल करती हैं, ध्यान से सुने, वैसी संस्थाएं जो संविधान में शामिल नहीं होती हैं परंतु वे संविधान के आदर्शों को फुलफिल करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था। इसको हम सांविधिक या कार्यकारी दो भागों में बांटते हैं, एक जो विधायिका द्वारा उसको हम बोल देते हैं सांविधिक, और एक जो कार्यपालिका द्वारा तो इसको हम बोल देते हैं कार्यकारी। कार्यपालिका विधायिका क्या होता है आपको पता ही है, विधायिका की अगर बात करें तो केंद्र की विधायिका है संसद और राज्य की विधायिका है विधानमंडल। तो ये या तो संसद के द्वारा बनाया जाएगा या विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा कार्यपालिका में बात करें तो एक केंद्र की कार्यपालिका है और एक राज्य में भी कार्यपालिका है, तो राज्य में भी कार्यपालिका है, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा तो ये क्या कार्यकारी कहलाएगा, और इनके द्वारा मिलाया जाएगा तो ये सांविधिक या स्टेचुरी बॉडी कहलाएगा। ठीक है, अगले पेज पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर आपका हेडलाइन है यहाँ पे संवैधानिक निकाय इंस्टीट्यूशनल बॉडीज, आप ध्यान से इसको आपको नोट भी करना है कॉपी पर, अच्छा से इससे फ्लो चार्ट आपको बना लेना है। तो जो पीछे तीन लिखे हैं यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है संवैधानिक संस्थाएं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है संविधानेतर या गैर संवैधानिक, ये दोनों बात एक समझना है। इसको आप संविधानेतर मतलब संविधान से इतर, आप ऐसे कुछ समझिए संधि विच्छेद करके, या गैर संवैधानिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये संविधान में नहीं है। कहने का मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, संविधान में नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये संविधान में वर्णित है। फिर एक नीचे आप इधर भी आपको मिलेगा असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोनों में काफ़ी फर्क है। अगर सबसे पहले अगर हम संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पे लिखा वे संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन हो, मतलब जैसे इतनी वे सभी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में हो, यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान में जिनका वर्णन हो, अर्थात जिनका सृजन संविधान के किसी भी भाग या अनुच्छेद द्वारा किया गया हो, जिनका कार्य गठन शक्तियां संविधान में ही क्या हो वर्णित हो। कहने का मतलब ये पूरा मतलब इसका कंक्लूजन यही है कि वैसी सभी संस्थाएं जिनका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में किया गया है, वे सभी संस्थाएं क्या कहलाती है भाई, वे सभी संस्थाएं कहलाती है कि ये संवैधानिक संस्था है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पे यहाँ पे बात करें कि जैसे में कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे, इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे निर्वाचन आयोग। एक इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में है, अनुच्छेद 324 आप लिख लेंगे एग्जांपल में निर्वाचन आयोग, तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल आपको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी,
या फिर बीपीएससी की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, ये भी एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि भी इसका भी आर्टिकल जो है आर्टिकल वो 315 से लेकर 323 ये भी देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद में इसका भी क्या है वर्णन है, तो ये भी किस प्रकार की संस्था है, तो ये भी एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। अगर हम तीसरा बात करें, नेक्स्ट अगर आप लिखा चाहें तीसरा तीसरा बात करें तो तीसरा इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये कि तीसरा हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। अब इसका भी आर्टिकल अगर बात करें तो इसका भी अनुच्छेद है आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित, तो देख रहे हैं ना पे आर्टिकल में इसका क्या है वर्णन है, तो ये सभी कौन से प्रकार की संस्था है, ये सब संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें अगर चौथा लिख ले तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति था ये, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आपको मिल जाएगा, जनजाति आयोग। नेक्स्ट आर्टिकल है इसका आर्टिकल 338 ए में इसका चर्चा किया गया। वैसे ही अगर बात करें कि पांचवा कौन होगा तो पांचवा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार इधर लिख लिए पांचवा हम इधर लिख रहे हैं, पांचवा है ओबीसी कमीशन, ओबीसी कमीशन जिसका वर्णन अनुच्छेद 338 बी में किया गया, तो ये भी एक प्रकार का किसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो ये जितना सारा आप देख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि छठा एक बात करें तो कैग ले लेते हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग बात करें तो अनुच्छेद 148। तो कहने का मतलब ये जितनी सारी संस्थाएं इनका सबका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है। वैसे अगर राज्य इलेक्शन कमीशन की अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए सातवां यहाँ पे लिखे राज्य इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन, तो इसका भी वर्णन आपको पता है कि पंचायतों के चुनाव करने के लिए 243 के में राज्य इलेक्शन कमीशन है। वैसे ही अगर नगर पालिका के चुनाव की अगर बात करें, नगर पालिका के चुनाव के लिए, तो इसके लिए अनुच्छेद 243 जेड ए में इसके लिए व्यवस्था किया है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जितने सारे कमीशन वगैरह हैं ये सबका कहीं ना कहीं पे ये देखिए आर्टिकल में इसका चर्चा है, ये देखिए आर्टिकल में इसका चर्चा है, ये देखिए आर्टिकल में इसका चर्चा है, ये देखिए इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 है, ये देखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी ये कहाँ पे है अनुच्छेद 305। तो कहने का मतलब संवैधानिक संस्था उसको बोलते हैं जिसका वर्णन संविधान में मतलब वर्णन किया गया है, कहने का मतलब वो किसी भाग या अनुसूची में ही होगा, तो इस प्रकार के सारी संस्थाएं वो क्या कहलाएगा, संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आई होप ये आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कि दूसरा, अब अगर हम बात करें कि दूसरा यहाँ पे क्या है, तो दूसरा अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक मिनट, तो दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे देखें, अब दूसरे की भी बात करते हैं, यहाँ पे संविधानेतर या गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलते हैं, वैसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में न हो बट वे संविधान के आदर्शों को क्या करते हो, पूरा करते हो। यहाँ पे अपने संवैधानिक संस्थाओं में क्या देखा कि वैसे सभी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, वहां पे क्या लिख रहे हैं, वैसे संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में तो नहीं किया गया है बट ये संविधान के आदर्शों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो संविधान के आदर्शों को पूरा करते हैं लेकिन इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, ठीक। तो फिर आगे यहाँ की प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, तो अब इसका भी दो पार्ट है, एक को बोलते हैं संवैधानिक स्टैचुरी बॉडी और एक को बोलते हैं कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब देखो ये थोड़ा सा समझना सबसे जरूरी है कि संविधिक ये आपको काफी परेशान करेगा, भाई संविधिक संस्था किसे कहते हैं, तो संविधिक संस्था की अगर बात करें स्टैचुरी बॉडी या इसी को लीगल बॉडी कहते हैं, तो ये विधायिका द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है विधायिका द्वारा ये निर्मित होते हैं, विधायिका द्वारा, आपको पता है कि केंद्र की जो विधायिका है वो संसद है और राज्य की विधायिका जो है वो आपका विधानमंडल है। कहने का मतलब कि वे सभी संस्थाएं जिनका निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है, मतलब संसद या विधानमंडल के द्वारा किया जाता है और संविधान में जिनकी चर्चा नहीं होता है, तो ये सारी संस्थाएं आपको कहलाती हैं कौन सी संस्था, संविधिक संस्था, इसी को लीगल बॉडीज या फिर स्टैचुरी बॉडी के नाम से जाना जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम बताएं कि स्टैचुरी बॉडी के अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत काफी सारे संगठन है और इसको आपको दिमाग में भी रखना है कि स्टैचुरी बॉडी के अंतर्गत कौन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टैचुरी बॉडी या
या सांविधिक संस्था को, तो यहाँ पे लिखते हैं सांविधिक संस्था या स्टैच्यूटरी। जैसे पहला अगर बात करें सांविधिक संस्था का, तो जैसे आप पढ़ते हैं एनएचआरसी, जैसे आप पढ़ते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब एनएचआरसी का संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन इसको पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो पार्लियामेंट ने बनाया है, संविधान में इसका चर्चा नहीं है, तो ये किस प्रकार की एक संस्था है? सांविधिक संस्था है। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल ह्यूमन कमीशन जो है दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसका दूसरा, आप सब इसको लिख लेंगे कल कॉपी पे, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये भी एक प्रकार से कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है। अगर हम तीसरा अगर बात करें कि तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, तो जैसे एक पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो ये भी एक प्रकार का कौन सी संस्था है? सांविधिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी। कहने का मतलब इनका सभी का निर्माण पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। जैसे आप पढ़ते हैं कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो इसका भी पार्लियामेंट ने निर्माण किया है, लेकिन ये संविधान में कहीं वर्णन नहीं किया गया है। वैसे आप और अगर बात करें तो जैसे आप पढ़ते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग, तो केंद्रीय चुनाव आयोग भी एक सांविधिक संस्था है। इसका वर्णन केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना आयोग RTI एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है, तो ये भी एक प्रकार का सांविधिक संस्था है। मतलब इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, बट ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। तो RTI एक्ट के द्वारा CIC का गठन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ संस्थाएं हैं जो सांविधिक संस्था के रूप में इसको हम जानते हैं, और ये सांविधिक, जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की अगर बात करें, तो ये सेबी भी एक प्रकार की सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसका भी निर्माण कौन किया है? पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। अब यद्यपि कुछ संस्थाओं का निर्माण विधानमंडल भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो भी सांविधिक संस्था है। कहने का मतलब कि वो विधायिका द्वारा निर्मित होगी, वो विधायिका द्वारा निर्मित होगी, और वो संविधान में, तो ऊपर ही लिख दिए कि वो संविधान में शामिल नहीं होगा, लेकिन संविधान के आदर्शों को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो एक तो पार्ट ये हो गया कि जो विधानमंडल के द्वारा क्या है, निर्मित है, या फिर विधायिका द्वारा निर्मित है, तो सभी संस्थाएं कहलाती हैं कौन सी संस्थाएं? सांविधिक संस्थाएं। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा बात कर लेते हैं, उसके बाद से लास्ट हम एक देख लेंगे। एक होता है कार्यकारी संस्था, यहाँ पे लिखा हुआ है, वन सेकंड, कार्यकारी संस्था के बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कार्यकारी संस्था, कार्यकारी संस्था, इसमें एक ही है। अब ये देखो, कार्यपालिका के द्वारा ये क्या है? निर्मित है। ये कार्यपालिका के द्वारा निर्मित है कार्यकारी संस्था, तो ये विधायिका द्वारा नहीं, ये कार्यपालिका के द्वारा। कहने का मतलब कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आपको पता है कि राष्ट्रपति आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, उपराष्ट्रपति आता है, फिर वो पूरा मंत्रिपरिषद आता है। वैसे राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो चीफ मिनिस्टर और उसका पूरा मंत्रिपरिषद है। तो कुछ ऐसे संस्थाओं का निर्माण डायरेक्ट कार्यपालिका ही कर देती है। जैसे आपको पता है कि 1950 में एक कमीशन बना था, वन सेकेंड, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि 1950 में एक कमीशन बना था, 1950 में इस कमीशन का नाम था कि योजना आयोग, आपने नाम सुना होगा योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग। तब योजना आयोग का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का जो कैबिनेट था, उसी कैबिनेट के द्वारा एक कार्यपालिका के द्वारा योजना आयोग का क्या कर दिया गया? निर्माण। लेकिन आपको पता है कि 2015 में इसको परिवर्तित करके फिर इसी को नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग एक पर किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है, या इसी को संविधान, गैर संवैधानिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यह डेफिनेशन क्या होगा, लिंक होगा। तो एक कार्यपालिका के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। तो आई होप ये सारी बातें आप समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो असंवैधानिक संस्थाओं की बात करें, तो असंवैधानिक जो संविधान के खिलाफ या संविधान के विपरीत काम करते हो, जिस संविधान के विपरीत काम करते हो, कहने का मतलब कि ये सारी संस्थाएं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नक्सल का संगठन हो गया, उल्फा संगठन हो गया, माओवादियों का संगठन हो गया, ये सब संविधान के आदर्शों के खिलाफ काम करते हैं। तो ये सब क्या है? असंवैधानिक है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, इसलिए इनका भी, मतलब ये तीसरे कैटेगरी में ये आ जाते हैं। तो इस तरह से हम दो तीन बातें समझे। अभी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या समझा है, ठीक है, और उसके बाद से फिर हम आगे बातचीत करते हैं। अब देखो, तो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं, वन सेकंड, संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं या निकाय क्या होती है, इसको तीन कैटेगरी में हम देखें, संवैधानिक या फिर संविधानेतर या गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक संस्थाएं उसको कहते हैं वे संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो, वे संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में नहीं हो लेकिन संविधान के आदर्शों को फुलफिल करता हो। इसके दो पार्ट हैं, कार्य विधायिका द्वारा बनाया जाएगा तो ये संवैधानिक संस्था कहलाएंगे, कार्यपालिका द्वारा बनाया जाएगा तो एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर कार्यकारी संस्थाएं कहला जाएगी। इसका एक तो एग्जाम्पल एक ही है मात्र, नीति आयोग। इसके बारे में आप योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं जिसको कार्यपालिका ने, इसके अंतर्गत आप एनएचआरसी हो गया, फिर विमेन कमीशन हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये सारा आप पढ़ते हैं सांविधिक संस्थाओं में। फिर उसके बाद से पढ़ते हैं आपको ये संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी कमीशन, ये सबका वर्णन चूंकि संविधान में किया गया है इसलिए सब भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक स्लाइड और हम आपसे बातचीत करेंगे नेक्स्ट। अब देखो इन सारी जितने आप पढ़े उन सब में अगर कुछ परिवर्तन करना हो, मान लीजिए कि जैसे हम पढ़े संस्थाओं के बारे में, तो मान लीजिए कि हम पढ़े संस्थाएं और इसको शुरुआत में हम जो आपको बताए थे तीन कैटेगरी, तो तीन कैटेगरी एक बार और है हम यहाँ पे लिखते हैं। एक जैसे पढ़े हम संवैधानिक, तो एक तो कैटेगरी हो गया संवैधानिक और एक पढ़े हम गैर संवैधानिक या इसी को एक और नाम दिए थे हम संविधानेतर और एक था असंवैधानिक। अब देखो इसका भी दो था, एक था सांविधिक स्टैचुरी बॉडी सांविधिक और इसका था कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यकारी। अब सब में थोड़ा थोड़ा एक एग्जाम्पल, इसमें कोई भी चेंजेज होगा तो ये कौन करेगा इसमें। संवैधानिक संस्थाएं क्या बोले हम, इसका निर्माण संसद करती है। जैसे अनुच्छेद अगर बात करें 324 में इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे आपको पता है कि चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग की यहाँ पे व्याख्या की गई है, ठीक है। अब चुनाव आयोग क्या होता है, वित्त आयोग क्या होता है, ये तो सभी आपके टॉपिक में स्टार्ट हो गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पीछे क्लास में चर्चा भी हो चुका है, 9 बजे क्लास वाले लोगों को पता होगा। तो अब देखो, अब संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं इसमें कोई भी परिवर्तन करना होगा तो ये एक संवैधानिक है, मतलब इनका वर्णन संविधान में किया गया है, तो इनमें जो भी परिवर्तन करना होगा वो संविधान संशोधन के माध्यम से ही इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा। आप सोच रहे हैं फिर संविधान संशोधन क्या है, तो संविधान संशोधन अभी तो आगे आपके टॉपिक में आएगा। संविधान के एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 368 जिसमें व्यवस्था किया गया है कि संसद, यानी जिसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद संविधान की किताब में कुछ नई बातों को जोड़ दे या कुछ पुरानी बातों को वहां से क्या कर दे, हटा दे, तो इसी को हम बोलते हैं संविधान में संशोधन। तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं इसमें कोई भी परिवर्तन करना होगा तो ये सभी मतलब ये संसद के द्वारा ही किया जाएगा, इसमें दूसरे किसी को पावर नहीं होगा और वो सब भी संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाएगा। तो संवैधानिक संस्थाओं में कोई भी परिवर्तन पार्लियामेंट के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि ये सभी संस्थाएं जो होती है वो संविधान में वर्णित है, तो चूंकि संविधान में है तो उसमें कोई भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तो आप संविधान में ही परिवर्तन करते हैं तो ये सभी संविधान संशोधन के द्वारा ही जारी है। अगर हम सांविधिक की बात करें तो आपको पता है कि सांविधिक तो विधायिका के द्वारा बनाया जाएगा, यानी पार्लियामेंट या तो बनाएगी या फिर स्टेट का लेजिस्लेचर इसको बनाएगा, स्टेट का लेजिस्लेचर। जैसे मान लीजिए कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अब इसको संसद ने बनाया है, तब इसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो ये संसद सामान्य तरीके से कर लेगी, सामान्य बहुमत से। अब चूंकि ये संविधान में वर्णित नहीं है इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो सांविधिक संस्थाओं में कोई भी परिवर्तन करना होगा, अगर पार्लियामेंट बनाई है तो उसको पार्लियामेंट चेंज कर लेगी, अगर स्टेट की विधानमंडल बनाई है तो स्टेट की विधानमंडल उसमें कोई भी परिवर्तन कर लेगी। अब चूंकि ये पहले से ही संविधान के भाग नहीं है इसलिए इसको हम संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, अगर कार्यकारी है तो इसको हम बात करें कि ये कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है, तो कार्यपालिका, तो जैसे योजना आयोग 1950 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल बैठा, मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई और योजना आयोग का गठन हो गया। फिर आगे चलकर मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो उसके बाद से इनका कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का मीटिंग हुआ और योजना आयोग को समाप्त करके इसी के स्थान पर नीति आयोग की क्या कर दी गई स्थापना। कहने का मतलब इसको कार्यपालिका ने बनाया था तो कार्यपालिका ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर इसको विधायिका बनाई होती तो विधायिका इसको खत्म करती। तो नेहरू जी की कार्यपालिका उस समय बनाई थी, 2014 में मोदी जी की कार्यपालिका ने इसको क्या कर दिया, फिनिश यानी खत्म। तो जो जो जिस मतलब जिन
जिनके द्वारा इन संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा, फिर उन्हीं के द्वारा इसका विघटन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात असंवैधानिक में तो कोई मामला ही नहीं है, ये तो संविधान के खिलाफ ही काम करते हैं, तो इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। ये पकड़ाएंगे तो फिर इन पे क्रिमिनल केसेस वगैरह सब क्या होंगी दायर की जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझे कि संवैधानिक संस्था क्या होता है, गैर संवैधानिक या संविधानेतर क्या होता है, फिर उसी का सब पार्ट संविधिक और कार्यकारी क्या होता है, फिर इसमें कोई भी परिवर्तन करना होगा तो किस माध्यम से आएगा। अब बारी बारी से ये सारी संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन अभी चल रहा है, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे और इसके बारे में डिटेल हम देते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारे लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें क्योंकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में।